আপাতত নতুন দল নয়, সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। প্রাথমিকভাবে জনসংযোগের ভাবনা, বিহার থেকে 3000 কিলোমিটার জনসুরাজ যাত্রার ঘোষণা। কয়েকদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল নতুন রাজনৈতিক দল গড়তে পারেন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোর। তবে আপাতত কোনো রাজনৈতিক দল নয়, জনসংযোগের দিকে মন দিতে চাইছেন পিকে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেই একথা জানিয়েছেন তিনি। জানা গেছে বিহার থেকে এক কর্মসূচির ঘোষণা করেছেন, যে কর্মসূচির নামকরণ করা হয়েছে জনসুরজ পদযাত্রা। 2রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে এই পদযাত্রার সূচনা হবে বিহারের চম্পারণ থেকে। লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে প্রায় 3000 কিলোমিটার রাস্তা পদযাত্রা করা হবে। বিহারের মানুষের বাড়ি বাড়ি অফিসে পৌঁছে তাদের সমস্যা জানার চেষ্টা করা হবে বলেও জানান ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তিনি ঠিকই বলেছেন, ভাষণ শুনব। इस संदर्भ में मैंने पिछले तीन दिनों में कोई 150 लोगों से मेरी मुलाकात हुई। सैंपल के तौर पे जो 17,500-18,000 लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों। और मेरा अनुभव पिछले 3 दिन का ये रहा है कि करीब करीब 90% लोग इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि बिहार में एक सामूहिक नए सोच और नए प्रयास की जरूरत है। तो मेरी पहली घोषणा यह है कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर इन 17,500-18,000 लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, उनसे समझना, उनसे जन सुराज की परिकल्पना के बारे में चर्चा करना, और अगर उनकी सहमति हो तो उनको इसका भागीदार बनाना, यह पहला लक्ष्य है। अगर इनमें से एक बड़ा वर्ग 2,000, 5,000, 3,000, मैं कोई संख्या अभी आपको एक संख्या नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसमें से बड़ी संख्या में लोग अगर एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म या एक अभियान के तहत जुड़कर आते हैं और वो मिलकर ऐसा तय करते हैं कि हमें किसी राजनीतिक संगठन या पार्टी की जरूरत है, तो उस पार्टी की घोषणा उस समय करी जाएगी। अगर वो पार्टी बनती भी है तो वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, ऐसी बात नहीं है। वो उन सबों की पार्टी होगी जो इस परिकल्पना से जुड़कर इस राजनीतिक संगठन के निर्माण में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। ये काम मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त या सितंबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। ये आज की घोषणा का एक पहलू है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नो मैन्स लैंड।